हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ मनीता अर्पण। मैथ्स वाई मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश बताने जा रही हूँ, जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट इसको जानते होंगे और कुछ नहीं भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये 10th का सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो इसमें 11th में पढ़ना है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चतुर्थांश से 1 से 48 फार्मूला बताएंगे, जो कि बिना रटे आप 48 फार्मूला को याद रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट को समझकर। तो देखेंगे पहले क्वाड्रेंट कहते किसको है। देखिए, यही आपका, आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि ये हमारा एक्स एच होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डस। इसी को 4 भागों में जो बांटती है उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। ये सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखिए आता कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहाँ से कहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ से कहाँ तक थर्ड में और कहाँ से कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 90 डिग्री तक ले जाते हैं। ठीक है, जिसको रेडियन में पाई बटे 2 लिखते हैं। यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 का, जो कि पाई देखेगा। ठीक है, और यहाँ पे 270 डिग्री का, 90 90 90 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 270। 270 डिग्री को 3π/2 रेडियन में लिखते हैं। और ये हो आपका 360 डिग्री आ गया। एक सर्कल में जब पूरे परिक्रमण, कल भी बता रहे थे, जब पूर्ण कर लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री यानी 2π। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक, जो कि आपने अभी कल देखे थे कि 0 से 90 डिग्री तक का जो वैल्यू होता है वो सारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का सभी फलन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, क्योंकि अभी आपने टेबल देखे उसमें कहीं माइनस था? नहीं था, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू लिया गया था, तो उसमें त्रिकोणमिति का सभी फलन पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड में कौन आएगा? देखिए, फर्स्ट में आया 90 डिग्री प्लस थीटा, आप रेडियन में भी लिख सकते हैं, पाई बटे 2 प्लस थीटा, नहीं जी, माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 90 या 90 से छोटा जितने भी क्वाड्रेंट है, मतलब वैल्यू है, वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और 90 से बड़ा यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा का यहाँ जो वैल्यू है एकदम छोटा, 1 डिग्री भी, 0.1 डिग्री भी ले सकते हैं, 0.001 भी ले सकते हैं। अगर कहने का मतलब 90 में अगर पॉइंट भी कुछ ऐड हो गया तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? 180 डिग्री तक, यानी कि 180 से जितने भी छोटा रहेगा वो सारे, 180 को रेडियन में ही लिखते हैं, पाई पाई माइनस थीटा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति का 2 फलन माइनस वे होता है, प्लस वे होता है, कौन कौन? साइन थीटा, और साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक, ये दोनों प्लस वे होते हैं। त्रिकोणमिति का कितने फलन? 6 फलन, जिसमें 2 प्लस वे होता है, तो 4 किसवे होगा? माइनस वे। जैसे कि मान लीजिए कि कभी भी साइन और कोसेक का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो प्लस वे होगा, लेकिन कॉस आ जाए, टैन आ जाए, कॉट आ जाए, सेक आ जाए, तो ये माइनस वे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? जैसे ही पाई से बड़ा होगा, यानी पाई प्लस थीटा, और 270 यहाँ 3π/2 माइनस इससे छोटा रहेगा, तब ये दोनों हमारा किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 270 से बड़ा यानी कि 3π/2
प्लस थीटा और 360 से छोटा यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, ये हमारा किस में रह जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब देखेंगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जैसे इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है तो इसमें क्या सब प्लस में होता है, दही, इसमें टैन थीटा, इसमें टैन थीटा और टैन का अपोजिट कौन होता है, कॉट, ये प्लस में होता है, ठीक है, ये प्लस में होगा। और इसमें हमारा कॉस थीटा और कॉस का उल्टा कौन, सेक, ये प्लस में। तो इसके अलावे जो चार बचेगा, जैसे कि मान लीजिए कि थर्ड कोऑर्डिनेट में साइड आ गया, साइड का वैल्यू पूछ रहा है, मान लीजिए कि पूछ दिया साइड 270 डिग्री माइनस थीटा, कुछ भी ऐसा वैल्यू, अभी पूरा डीपली बताएंगे इस चीज को, 270 से कुछ घट रहा है यानी किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकेंड में, और सेकेंड में साइड पूछा है तो इसका मतलब है कि कन्फर्म है कि इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो माइनस में होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। लेकिन वही अगर टेन पूछ देता तो कन्फर्म है कि अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ये प्लस में होगा टेन, ठीक है। इसी तरह से बताएंगे, सबका बताएंगे, इसी से तो 48 फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए इसको समझिए। और इसमें कॉस और सेक, और एक और बच गया पाई, 2 पाई प्लस थीटा, ये हमारा फिर अब 360 से कुछ ज़्यादा आ जाएगा तब किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो जी अगर 360 से ज़्यादा आ जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब इतना ज़्यादा ना आ जाए कि 90 से भी बड़ा हो जाए, अगर 90 से भी बड़ा हो गया तो देखेंगे, अगर 180 से छोटा है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ठीक है। बस यही है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में और कुछ भी नहीं है। इसको अगर आप याद रखते हैं तो आपको लंबा चौड़ा माइनस प्लस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 से छोटा और 360 से बड़ा वाला सारा फसर 90 में आए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में त्रिकोणमिति का सभी फलन प्लस में होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन आएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा, किस में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, इसके अलावे जो चार होगा वो माइनस में होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, ये आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और इसमें दो फलन टैन और कॉट प्लस में होता है। फोर्थ में आ जाएगा 270 प्लस थीटा और से 270 से बड़ा और 360 से छोटा, ये किस में आ जाएगा, हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक जो होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है। आप बोले इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन, उसके बाद हम 48 फॉर्मूला बताएंगे, साइन माइनस यक्स बराबर होता है माइनस साइन यक्स, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, ये भी माइनस यक्स होता है तो माइनस कॉसेक यक्स आ जाता है, ठीक है। और एक और इसमें है टैन माइनस यक्स बराबर होता है माइनस टैन यक्स, ठीक है। ये एक तरह का है, माइनस है तो माइनस ही निकल के आएगा, लेकिन कॉस माइनस यक्स रहेगा तो सिर्फ कॉस यक्स होता है, सेक माइनस यक्स रहेगा तो सेक यक्स आएगा, और कॉट माइनस यक्स रहेगा तो कॉट एक्स रहेगा। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, अगर साइन कोसेक और टैन ये तीन अगर माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर ये तीनों माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। माइनस उसका हट जाएगा, माइनस का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि इस कोऑर्डिनेट पे कोसर को कैसे बनाते हैं, ये कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कोऑर्डिनेट के बाद हम एक चीज जानेंगे कि हम 90 डिग्री तक का तो वैल्यू जान गए, लेकिन 90 से बड़ा कैसे, 90 के बाद जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल से याद रखेंगे, जैसा 0 डिग्री याद है आपको तो कंफर्म है 180 याद हो जाएगा और 360 भी आपको याद हो जाएगा, कैसे याद होगा बताएंगे। फिर अगर 30 डिग्री आपको याद है तो 30 को पहले रेडियन में लिख लीजिए, पाई बटे 6, पाई बटे से एकदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे 30 डिग्री जिसको रेडियन में पाई बाय 6 लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पाई बटे 6 का वैसा गुणांक जो कटता नहीं है, जैसे अगर ऊपर में 1 पाई है, अगर हम 2 पाई ध्यान से देखेंगे 2 पाई बटे 6 लिए, ये तो कट जाएगा, ये तो फिर पाई बाय 3 का वैल्यू आ गया, ऐसा नहीं, जो कटता नहीं है
डिनोमिनेटर से कटता नहीं है। तो यहाँ पे अगर थ्री भी लेंगे तो कटेगा, फोर भी लेंगे, क्या कभी फाइव पाई बाय सिक्स कटेगा? बोलिए, काट सकेंगे आप? नहीं। तो यानी जो वैल्यू पाई बाय सिक्स का है वही फाइव पाई बाय सिक्स का भी आएगा, किसी का भी साइन, टेन, कॉट, सेक, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है कि पाई बाय सिक्स जो था वो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, नब्बे से छोटा था, लेकिन ये जो है तीस पचे डेढ़ सौ, ये पाई बाय सिक्स तीस है, तीस को पांच से गुना कीजिए, डेढ़ सौ। अब डेढ़ सौ किस कोऑर्डिनेट में आएगा? तो डेढ़ सौ जो है नब्बे से बड़ा है और एक सौ अस्सी से छोटा है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट के अनुसार से जिसका प्लस माइनस जो भी वैल्यू मांगेगा आप डाल देंगे, ठीक है। और इसी का और भी पूछ सकता है, सेवन पाई बाय सिक्स, एट डाइट कटेगा, टेन भी कटेगा, इलेवन पाई बाय सिक्स, डॉट डॉट आगे, पैतालीस डिग्री, पाई बटे फोर, इसका भी वैसा गुणांक जो डिनोमिनेटर से नहीं कटता है, जैसे थ्री पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर, सेवन पाई बाय फोर, डॉट डॉट। और इसके बाद है साठ डिग्री को भी, इसको पाई बाय थ्री लिखेंगे, क्या बोलिए, पाई वैसा गुणांक जो कटता है, जैसे टू पाई ऊपर लेंगे ये नहीं कटेगा, थ्री कट जाएगा, फोर भी नहीं कटेगा, फाइव भी नहीं कटेगा, डॉट डॉट आगे, साठ, नब्बे डिग्री का भी फाइव बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू, डॉट डॉट। अब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आपको अब 180 का तो याद नहीं है, लेकिन आपको साइन जीरो का याद है कि नहीं? तो सब लोग बोलेंगे जी याद है, जीरो का याद है, तो कंफर्म है कि साइन 180 यहाँ पे लिखा है कि जो जीरो का वैल्यू होगा वही 180 और 360 का होगा, कंफर्म है कि 180 का भी वैल्यू जीरो आएगा, 360 का भी वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन अगर कॉस 180 डिग्री रहेगा तब यहाँ पे आ जाएगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू वन होता है कॉस जीरो का, प्लस और माइनस में माइनस वन डालेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है वन होता है, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। अब प्लस होगा या माइनस, तो देखिए 180 किस कोऑर्डिनेट में है, 180 जो है आपका वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस में होता है, इसीलिए यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस। अगर आपसे पूछे कॉस 360 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो कॉस 360 का वैल्यू वन हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जीरो 180 और 360 का बराबर होता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये 360 का कितना हुआ, वन तो लिख दिए, लेकिन प्लस होगा या माइनस? तो 360 किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस किस में होता है? प्लस में, तो प्लस वन। यानी कि कॉस जीरो का वैल्यू अगर वन है तो कॉस 180 का माइनस वन और कॉस 360 का वन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछे टेन फोर पाई बाय थ्री का वैल्यू, तो सबसे पहले आपको पाई बाय थ्री देखना है, किसका देखना है? पाई बाय थ्री। तो बताइए टेन पाई बाय थ्री का वैल्यू कितना होता है? टेन 60 का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो कन्फर्म है कि फोर पाई बाय थ्री का भी वैल्यू क्या होगा? रूट थ्री ही होगा, लेकिन प्लस या माइनस। तो ये पाई बाय थ्री 60 डिग्री था, 60 को 4 से गुना करेंगे 240 डिग्री आएगा। 240 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है बताइए? 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है, 240 इसी के बीच में आएगा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में टेन प्लस में होता है, इसीलिए प्लस डाल दिए। अगर इसी में आपसे पूछ दे साइन, कोई भी उठा लीजिए ना, आप उठा ले लीजिए थ्री पाई बाय फोर का वैल्यू पूछ दिया, साइन पैतालीस का वैल्यू कितना होता है? वन बाय रूट टू, हम सिर्फ पाई बाय फोर ले रहे हैं। अब देखेंगे कि ये है कितना मुख्य रूप से, तो पैतालीस तिया 135 डिग्री है, 135 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? सेकेंड में, सेकेंड में प्लस में होता है, वही अगर आ जाता किसी थर्ड या फोर्थ में तो माइनस लगा देते, ठीक है। तो इस तरीका से आप सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कहिए, यही सब गुणांक मिलेगा तभी आप उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब कोई अटपटांग आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 75 को अगर रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 गुणे 75, 15 पचे 75, 36 पचे
तीन पचे 15 और 12 3 36, ठीक है, ये आ गया 5π/12। तो अब बोलिएगा कि ये तो किसी पाई बटे 12 का हम तो जानते ही नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ जानते हैं π/6, π/4, π/3, π/2। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, इसका वैल्यू आसानी से नहीं निकलेगा। आपको आगे फॉर्मूला बताया जाएगा जिसपे आप 75 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे है? तो किसी का भी इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकते हैं, आएगा 75। अब इसमें अगर साइड का पूछ दे तो साइड ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइड ए प्लस बी का, कॉस में पूछे तो उसका भी होता है, वो आगे बताया जाएगा। सिर्फ अभी गुणांक इसके लिए बताया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेट के मुताबिक ये सारे का बाद आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास यही तक, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया है तो मेरे लिए एक लाइक दबा कर जाएंगे।